हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फोर टर्न। और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला बिलासपुर की। तो जिला बिलासपुर में है आपकी गोविंद सागर झील, जो कि मानव निर्मित झील है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी यही है। क्षेत्रफल है इस झील का 168 वर्ग किलोमीटर और लंबाई है 88 किलोमीटर। तो बिलासपुर में आपकी सिर्फ एक झील है जो कि मानव निर्मित है और वो है गोविंद सागर झील, और यह जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। अब बात करते हैं चंबा की। तो चंबा में है आपकी खजियार, गढ़ासुरू, लामा, मणिमहेश और महाकाली। सबसे पहले डिस्कस करते हैं खजियार झील को। यह झील समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। और खजियार जो है आपका चंबा और डलहौजी के मध्य स्थित एक पर्यटक स्थल भी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और खजियार झील का नाम जो है खाजी नाग देवता के नाम पर रखा गया है। ये है आपकी खजियार लेक जो कि आपकी चंबा में है। और खजियार को जो है हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड जो था मिस्टर विली टी ब्लेजर ने कहा था, जो कि स्विट्जरलैंड के वायसराय थे। अब बात करते हैं गढ़ासुरू झील। यह झील जो है चंबा की चुराह तहसील में स्थित है और 324 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और समुद्र तल से इस झील की ऊंचाई 3470 मीटर है। यह है आपकी गढ़ासुरू झील। अब बात करते हैं लामा झील की। लामा झील जो है जिला मुख्यालय चंबा से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से 3960 मीटर की ऊंचाई पर है। और यह झील जो है भगवान शिव को समर्पित है। यह है आपकी लामा झील। अब बात करते हैं महाकाली झील की। तो महाकाली झील समुद्र तल से 3657 मीटर की ऊंचाई पर है और यह माता काली को समर्पित है। फिर है आपकी चमेरा झील, जो कि मानव निर्मित झील है और रावी नदी पर बनाई गई है, और इस झील के पानी से जो है बिजली की आपूर्ति की जाती है। यह है आपकी चमेरा झील है, चमेरा डैम। यह भी आपका चंबा में स्थित है। चंबा में आपकी सिर्फ एक मानव निर्मित झील है और बाकी सारी प्राकृतिक झीलें हैं। अब बात करते हैं मणिमहेश झील। यह भी आपकी चंबा में स्थित है और समुद्र तल से इस झील की ऊंचाई 3950 मीटर है। और यह जो है एक तीर्थ स्थल भी है। यह रही आपकी मणिमहेश झील। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। कुल्लू में है आपकी सरयोल सर झील, भृगु, दशहर, सरिताल, ब्यासकुंड, मानतलाई, हंसा, द्योरी और डैंसर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सरयोल सर झील। यह झील समुद्र तल से 10,230 फुट की ऊंचाई पर स्थित जलोरी दर्रे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि झील में क्षेत्र की राधा देवी बूढ़ी नागिन वास करती है। और हाँ दोस्तों, ये सरयोरसर झील के पास जो है एक आभा नामक बुलबुल रहती है, जो कि अगर किसी प्रकार की आंधी या तूफान से झील में कोई भी पत्ता गिरता है तो वह उसे अपनी चोंच से उठाकर बाहर फेंक देती है। दोस्तों, यह एक कुदरत का करिश्मा ही है। तो यह है आपकी सरयोरसर झील, और जो कि आपकी कुल्लू में स्थित है। अब बात करते हैं भृगु झील की। तो भृगु झील मनाली से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मान्यता है कि इस झील के किनारे जो था ऋषि भृगु ने तपस्या की थी। ये कुछ फिक्स है भृगु झील की, जो कि आपकी कुल्लू में स्थित है। अब बात करते हैं दशहर झील। ये भी आपकी मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर आपकी सरिताल झील। यह सरीजोत पर 14,000 फुट की ऊंचाई पर है और इसके निकट सरवरी नदी बहती है। फिर आपका ब्यासकुंड झील। यह झील जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सोलंग नाला से 14 किलोमीटर तथा रोहतांग से 8 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से यह झील 3,540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह है आपकी ब्यासकुंड झील। बात करते हैं मानतलाई झील। यह भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है।
और मणिकरण घाटी की सीमा पर 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये रही आपकी मानतलाई झील। फिर है आपकी त्योरी झील, यह सैंज घाटी में स्थित है जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। हंसा झील यह भी कुल्लू के बंजार से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आपकी सरवालसर झील, ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। तो ये सभी झीलें आपकी कुल्लू में स्थित हैं। अब बात करते हैं डायनासर की। जिला कांगड़ा और कुल्लू के मध्य में पावन स्थल है डायनासर, जिसकी पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व है। यह झील जो है समुद्र तट से लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जिला मंडी के उपमंडल जोगिंदरनगर से 40 किलोमीटर दूर पर्यटक स्थल बरोट है, जहाँ से 7 किलोमीटर दूर लोहारडी नामक स्थान है जो कि सड़क से जुड़ा हुआ है। और प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लेना हो तो थलटुखोर नामक स्थान से डायनासर तक 2 दिनों तक पैदल यात्रा की जाती है, तब डायनासर झील तक पहुंचा जाता है। बताया जाता है कि भगवान शिव और पार्वती मणिमहेश को जब भी जाते थे वो इस पावन स्थल पर रुकते थे। एक दिन उन्होंने इस स्थान पर प्रवास करने का मन बनाया। आधी रात बीतने के पश्चात एक डायन जिसने यहाँ पर अपना अड्डा जमा रखा था ने उन्हें उस स्थान को छोड़ने की चेतावनी दी। दुष्ट डायन उन्हें बार बार तंग किया और युद्ध के लिए ललकारने लगी। तब भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से उसका खात्मा कर डाला। तभी से यह पावन स्थल जो है डायनासर के नाम से विख्यात हुआ है। और यहाँ पर घुघु बाण नामक पौधा पाया जाता है, जिस किसी भी श्रद्धालु को यह पौधा मिल जाए वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। तथा यह पौधा घर में रखने से सुख शांति व समृद्धि और देवताओं का वास रहता है। तो ये थी आपकी डायनासर झील। अब बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति में है आपकी चंद्रताल, सूरताल, दीपकताल, नीलकंठ और युनामसो झील। बात करते हैं चंद्रताल झील। यह झील 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत की 5 नदियों पर बने डाक टिकटों में हिमाचल की चंद्रताल झील को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये है आपकी चंद्रताल झील। अब हम बात करते हैं नीलकंठ झील। यह भी आपकी लाहौल स्पीति में नैन का हर घाटी में स्थित है। यह झील छोटी है परंतु गहरे पानी की झील है। गहराई के कारण इसका पानी नीला दिखाई देता है, जिस कारण इसका नाम नीलकंठ पड़ा है। ये रहा नीलकंठ झील का एक फोटो। फिर आपकी सूरताल झील, यह भी आपकी लाहौल स्पीति में है और समुद्र तट से 4,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भागा नदी के उद्गम स्थान बारलाचे के भी समीप है। दीपकताल झील, और ये फोटो था आपका सूरताल झील का। अब बात करते हैं दीपकताल झील। सूरताल झील से 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील है। अब बात करते हैं किन्नौर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो किन्नौर में है आपकी नाको झील और सोरंग झील। नाको झील जो है समुद्र तल से 3,662 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये रहा नाको झील का एक सुंदर सा फोटो। दूसरी थी आपकी सोरंग झील। और तो आपकी किन्नौर में है आपकी 2 झीलें, नाको और सोरंग झील। अब बात करते हैं जिला सिरमौर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो जिला सिरमौर में है आपकी रेणुका झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इस झील का नाम भगवान परशुराम की माँ रेणुका के नाम पर पड़ा है। यह झील जो है नाहन से 38 किलोमीटर दूर स्थित है। और दूसरी झील है आपकी सिरमौर में सुकेती झील। ये रेणुका और सुकेती झील है आपकी सिरमौर में। ये रही पिक आपकी रेणुका झील की। और रेणुका झील की आकृति जो है सो औरत की तरह है। अब हम बात करते हैं जिला कांगड़ा की। तो जिला कांगड़ा में है आपकी डल करेरी पोंग झील। बात करते हैं डल झील की। तो डल झील जो है धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह समुद्र तल से 1,755 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये रहा आपकी डल झील का फोटो। अब बात करते हैं करेरी झील की। करेरी झील जो है धर्मशाला से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से 3,048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये रहा करेरी झील का एक फोटो। अब बात करते हैं पोंग झील की, जो कि कांगड़ा में स्थित है और यह जो है मानव निर्मित झील है और यह ब्यास नदी पर बनी है। और इस झील को जो है महाराणा प्रताप झील के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई लगभग 42 किलोमीटर है। ये रहा आपका
पोंग डैम या पोंग झील जो कि आपकी कांगड़ा में स्थित है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी की, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है आपकी रिवालसर झील, परासर झील, कुमारवाहा, कुंत भयोग, सुखसार, करासर मछियार और साथ ही यहाँ पे है आपकी झील पंडोह झील जो कि मानव निर्मित झील है और पंडोह नामक स्थान पर स्थित है। मंडी में भी आपकी एक मानव निर्मित झील है, तो आपकी मानव निर्मित झील हिमाचल में है चार। एक है आपकी बिलासपुर में, दूसरी है आपकी कांगड़ा में, तीसरी है चमेरा में और चौथी आपकी मंडी में पंडोह नामक स्थान पर। अब बात करते हैं रिवालसर की, रिवालसर झील जो है बौद्ध हिंदू और सिख धर्म के लोगों का तीर्थस्थल है और यह मंडी से जो है 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस झील को जो है तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। ये रही आपकी रिवालसर झील। अब हम बात करते हैं पराशर झील, मंडी से जो है 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और यह झील जो है समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर है। ये रही आपकी पराशर झील और ये रहा आपका भगवान पराशर ऋषि का मंदिर। फिर है आपकी कुमारवाह या कमरूनाग झील, यह भी आपकी मंडी से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फिर आपकी कुंत भयोग झील, ये वालसर से ऊपर 10 किलोमीटर की दूरी पर यह झील स्थित है। फिर आपकी मच्छाल झील, जिला मंडी के जोगिंद्रनगर तहसील में यह झील स्थित है। ये सभी भी आपकी मंडी में स्थित है। अब हम बात करते हैं जिला शिमला की, तो जिला शिमला में आपकी करियाली झील, चंदनाहन झील, तानुजुबल झील। तो बात करते हैं चंदनाहन झील की, यह झील जो है पब्बन नदी का उद्गम स्थल है और इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई 4267 मीटर है। ये रही चंदनाहन झील की एक पिक। तो बाकी चंदनाहन, करियाली, तानुजुबल ये भी आपकी शिमला में स्थित है। तो शिमला में आपकी चार झीलें। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।